हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू गाना चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ रसगुल्ला मूवी सफ़ेद वाला। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हमें दूध को फाड़ना होगा। तो यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर लिया है और पतीला मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। तो यहाँ मैंने 1 लीटर गाय का दूध लिया है। आप जब भी वाइट वाले रसगुल्ले बनाइएगा तो गाय के ही दूध से बनाइएगा, भैंस के दूध से बिल्कुल मत बनाइएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फैट पाया जाता है गाय भैंस के दूध में, और गाय के दूध में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ आप जब भी रसगुल्ले बनाइएगा तो आप वो गाय के ही दूध से बनाइएगा, क्योंकि गाय के दूध से जो हम लोग रसगुल्ले बनाते हैं तो बहुत स्पॉन्जी रसगुल्ले बनते हैं। जिसको नहीं आता होगा वो भी बना लेगा। तो यहाँ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें दूध में बिल्कुल मलाई नहीं पड़ने देना है, और दूध को इसी तरह चलाते रहेंगे। दूध में हमारे उबाल आ गया है, अब हमें क्या करना है, गैस को कर देना है बंद और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे, कम से कम 1.5 मिनट के लिए। तो हम जब ये 1.5 मिनट हो जाएगा इसे ठंडा कर लेंगे, तभी हमें इसमें विनेगर ऐड करना है। और विनेगर जब भी आप ऐड करिए तो उसके साथ पानी ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। 1 ग्लास में आप 4 चम्मच विनेगर डाल रहे हैं तो आधा कप पानी ऐड कर दीजिए उसमें, तो आपका 1 ग्लास बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने विनेगर और पानी ऐड किया है और दूध मेरा 1.5 मिनट हो चुका था ठंडा हुए, तो हम इस विनेगर को ऐड करते जाएंगे। और आपको डायरेक्ट विनेगर नहीं ऐड करना है, इस चमचे में लेकर और इसे इस चारों तरह से घुमाकर और इस तरह से आपको विनेगर ऐड करना है। डायरेक्ट हम विनेगर डालेंगे नहीं, इसी तरह से आपको बार बार प्रोसेस करना है जब तक कि ग्रीन कलर का पानी ना दिख जाए। तो अब लगभग मेरा फट गया है ग्रीन कलर के पानी भी दिखने ने। एक बार और हमें थोड़ा सा डालना है, अभी पूरा ग्रीन कलर का पानी नहीं दिखा तो हो गया। अब हमें विनेगर को ऐड नहीं करना है, विनेगर वाले पानी को, क्योंकि ग्रीन कलर का पानी दिख गया है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो अब हमें क्या करना है, एक छन्नी में और कॉटन का कपड़ा लेकर इसे छान लेते हैं। तो हाँ, मैंने एक साफ एक कॉटन कपड़ा लिया है। आप जब भी कपड़े का इस्तेमाल करिए तो वाइट कलर का ही कपड़ा इस्तेमाल करिएगा। तो हाँ, मैं सारे छेने वाले जो हैं उसको छेने वाला पानी को अलग कर दे रहे हैं, इस रसगुल्ले वाले बैटर को अलग कर दे रहे हैं। तो मैंने पानी को अलग कर दिया है, इसे साफ पानी से कम 4 से 5 पानी से हमें धोना है अच्छे से, ताकि इसकी जो विनेगर की महक और खटास हो वो निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से धुल लिया है और इसे क्या करेंगे, पानी को हटा देंगे और इसे तो इसे क्या करेंगे, हमें अच्छे से पानी को निचोड़ लेना है। आपसे जितना हो सके पानी को निचोड़ लीजिएगा। जब आप देखिएगा पानी नहीं निकल रहा है तो आप क्या करिएगा, ऊपर से एक गांठ लगा दीजिए इस पोटली में, और साफ टावल, एक मोटा टावल हो, आप उसमें लपेट कर 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा। तो 1 घंटा जब हो जाएगा तो खुद ही अपना पानी और जो नमी होता है इस फटे वाले दूध में वो अब्जॉर्ब कर लेगा। तो हम इसे क्या करते हैं, एक टावल में लपेट कर 1 घंटे के लिए रख देते हैं, और 1 घंटे के बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर 1 घंटा हो गया, वापस से मैं किचन में आ गई हूँ, गैस को कर ले रहे हैं ऑन और मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पर। आपके पास पतीला हो, कोई बड़े बर्तन हो, वही यूज करिएगा, क्योंकि जब भी हम रसगुल्ले को डालते हैं तो स्पॉन्जी होकर वो फूले फूले ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप चीनी ऐड किया है और साथ में जाएगा 6 कप पानी। तो आपके पास कोई कटोरी बना लीजिए या कप बना लीजिए, ग्लास बना लीजिए, उस कटोरी से आप 1 कटोरी चीनी ऐड करेंगी तो 6 कटोरी आपको पानी ऐड करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी लिया है और 6 कप पानी ऐड करूँगी, तो टोटल मैंने 7 कप डाल दिया है, 1 कप चीनी, 6 कप पानी। तो आप इसे क्या कर रहे हैं, घुलने देंगे चीनी को। तो चीनी हमारा अच्छे से घुल गया है, इसमें उबाल आने देंगे। जब तक इसमें उबाल आ रहा है मैं फटे दूध को अच्छे से मसल ले रही हूँ। तो आपको हथेली से नहीं मसलना है, इसी हथेली के ऊपर भाग से मसलना है, कुछ इस तरह से। आप जब भी मसलें तो ऊपर वाले हथेली, इसी वाले ऊपर वाले हथेली जो ऊपर वाले होते हैं, तो इसी से मसला जाएगा। कम से कम 5 से 6 मिनट तक आप इस तरह से मसलिएगा, तभी हमारा जो स्पॉन्जी रसगुल्ला बनेगा गाइस, बहुत अच्छी रसगुल्ले बनेंगे। तो यहाँ 5 से 6 मिनट हो चुका था, अब इसमें जाएगा 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा ऐड कर दीजिएगा 1 चम्मच।
तो आपके पास जो भी चीज़ हो आप एक चम्मच ले लीजिएगा, उससे एक ही चम्मच डालिएगा, ज़्यादा नहीं ऐड करना है हमें, इस तरह से कुछ मिला लेना है। और देख लीजिए कितना अच्छा डो बन गया है, थाली को अच्छे से छोड़ दिया है और चिकना हो चुका है, तो कुछ इसी तरह से डो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि पानी को चेक कर ले रहे हैं, पानी में उबाल आ रहा है कि नहीं, तो हमें पानी में उबाल आने वाला है, तब से हमें इसे क्या करने हैं, छोटे छोटे लोइयां काट लेते हैं, इसका बॉल बना लेते हैं। तो हाँ, इस तरह से मैंने छोटे छोटे लोई काट लिए थे और इस तरह से बॉल बनाते जाएंगे, कुछ इस तरह से छोटे छोटे बॉल हैं। तो ये देखिएगा कितना बड़ा सा हो जाएगा गाइस, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको इस तरह से बॉल बना देना है। देखिए मेरे बॉल में एक भी क्रेक नहीं आया था, देख रहे हैं, एक भी क्रेक नहीं आया है। तो लीजिए मैंने सारे बॉल बना दिए हैं, यहाँ 11 बॉल बने हैं। तो इस रसगुल्ले को इस उबलते हुए पानी में हमें इकट्ठा नहीं डालना है, हमें धीरे धीरे करके डालना है। अभी पानी में ज़्यादा उबाल आने लगेगा तभी हम इस चीज़ को ऐड करेंगे बॉल को। तो हमें एक एक करके बॉल को ऐड करना है। तो मैंने एक बॉल डाला है, अभी हमें दूसरा बॉल नहीं डालना है, जब तक कि ये ऊपर ना आ जाए और पानी में अच्छे से उबाल ना आने लगे तभी हमें दूसरे बॉल को ऐड करना है। तो लीजिए ऊपर आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे बॉल को डालेंगे। हमें इसी तरह से करना है, बार बार इकट्ठा नहीं ऐड करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आप लोगों को। तो लीजिए मैंने सारे बॉल को डाल दिया है, अब इसे क्या करेंगे, खोल के हमें 5 मिनट तक पकाना है, कम से कम 5 मिनट खोल के हमें पकाना है, तभी हमें इसमें लीड लगाना है। तो काफ़ी देख रहे हो बड़े होते जा रहे हैं, अपने आप ये बड़े होते जाते हैं, अपनी दुगनी साइज लेते हैं और जगह भी होनी चाहिए। तो देख रहे हो 5 मिनट हो गया है लगभग, अब इसे हम क्या करेंगे, लीड लगा देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट यहाँ पर हो चुका है और देख रहे हैं कितने बड़े साइज़ के हो गए हैं हमारे रसगुल्ले, तो कुछ इस तरह से बड़े साइज़ के हो जाएंगे। और आपको जब भी करछा लगाइए तो ऊपर वाले भाग से बिल्कुल मतलब लगाइएगा, नीचे जिस तरह से मैंने लगाया है आपको इसी तरह से करना है, क्योंकि नुकीले वाले भागों से हमें नहीं चलाना है, नहीं तो ज़रा सा भी क्रिक लगेगा तो आपके स्पॉन्जी रसगुल्ले नहीं बन पाएंगे। तो आपको इसी तरह से करना है। अब वापस से हमें 5 मिनट फिर लीड को लगा देना है, 5 से 6 मिनट हमको टोटल, हमें 18 मिनट पकाना है इस रसगुल्ले को, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके थे, मैं दोबारा से चेक कर ले रही हूँ और देखिए कितना प्यारा हमारा रसगुल्ला बना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैंने इस कांच के बॉल में चिल्ड पानी लिया है, बर्फ़ नहीं जम पाया, आइस क्यूब नहीं बन पाया गाइस, क्योंकि लाइट नहीं थी तो मैंने चिल्ड पानी का प्रयोग किया है। इस चिल्ड पानी में हमें जितने भी रसगुल्ले हैं एक एक निकाल कर चिल्ड पानी में डालते जाना है, हमें गैस को नहीं बंद करना है, हमें एक एक रसगुल्ले को निकाल के पानी में डालना है, क्योंकि आपके जितने भी रसगुल्ले होंगे स्पॉन्जी बनेंगे। तो सीरम को हम ठंडा करने इसे कम से कम 4 घंटे के लिए रख देते हैं। देख रहे हो कितना अच्छा प्यारा मेरा आया है रसगुल्ला, बहुत ही स्पॉन्जी रसगुल्ले बने हैं गाइस। जब आपके रसगुल्ले स्पॉन्जी बनते हैं तो आपको अंदर से बहुत अच्छी खुशी मिलती है। तो लीजिए मैंने 4 घंटे के बाद मैंने सीरम में ऐड कर दिया था इसे, क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे खाने के लिए, तो मैंने निकाल लिया और सीरम में ऐड कर दिए हैं, सीरम भी मेरा ठंडा हो चुका था। तो अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।